गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बोटैनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। पिछली बार इन जनरल डिस्कशन ऑफ फ्रूट्स में मैंने आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताया था फ्रूट्स के, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्म ऑफ सिस्टम एंड बियरिंग हैबिट आदि के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बताया था। टुडे आई बोटैनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स। इन दिस सीरियल नंबर, फैमिली, कॉमन नेम, बोटैनिकल नेम, क्रोमोजोम नंबर, डिप्लॉयड और सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर, ये स्टूडेंट्स 2000 प्रिपरिंग फॉर नेट आर एयर एग्जाम एंड द स्टूडेंट्स ऑफ BSCAG 4 सेम विल बी बेनिफिटेड एंड अदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर स्टूडेंट आल्सो बेनिफिटेड बाय दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑल ऑफ द फैमिलीज व्हिच आर बिलोंग टू मोनोकॉटिलेडोनी ग्रुप, एक बीजपत्री ग्रुप में जो क्लास वर्ग में जो फैमिली जाती हुए हैं, एक ऐसी पामी इसको बिलोंग करने वाले फ्रूट हैं कोकोनट, एरेकानट, ऑयल पाम, डेट पाम, पाइन एपल, बिलोंग करता है ब्रोमाइलिएसी फैमिली को। और इसका बोटैनिकल नेम अनानास कोमोसस। क्रोमोजोम नंबर कितना है? 50 है। ये कभी कभी इसके बेसिक क्रोमोजोम नंबर 25 होते हैं तथा ट्रिप्लॉइड ही पाया जाता है तो इसके ट्रिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर 75 हो जाएंगे। इस प्रकार से कोकोनट का बोटैनिकल नेम कोकस न्यूसाफेरा, डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर 32। यहाँ पर मैंने क्यूल डिप्लॉइड सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर दिया है तो इसके बेसिक क्रोमोजोम नंबर इसके हाफ हो जाएंगे और उसका ट्रिपल कर देंगे तो ट्रिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो डाइकार्ड फैमिली में बिलोंग करने वाले फ्रूट हैं उसमें पहला है फैमिली एनाकार्डिएसी, इसको फैमिली इस फैमिली को बिलोंग करने वाले फ्रूट हैं मैंगो, बोटैनिकल नाम मैंजोफेरा इंडिका, क्रोमोजोम नंबर 40, केसू काजू, बोटैनिकल नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, 42 इसका क्रोमोजोम नंबर है, पिस्टैचियो वीरा क्रोमोजोम नंबर 30। इसके बाद इनोनेसी फैमिली कस्टर्ड एपल, इसका बोटैनिकल सीताफल जिसे हमें बुंदेलखंड के लोग कहते हैं, इनोना एस्किमोसा, क्रोमोजोम नंबर 14 है इसका सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर, एपोसाइनेसी करौंदा, इसको बिलोंग करौंदा किस में आता है? एपोसाइनेसी फैमिली में आता है और इसका बोटैनिकल नेम है कैरिस्टा करेंडाज, क्रोमोजोम नंबर है 22। कैरिकैसी पपाया बिलोंग टू फैमिली कैरिकैसी, कैरिका पपाया, क्रोमोजोम नंबर किसके जायडोटिक क्रोमोजोम नंबर है 18। नेक्स्ट इबेनेसी परसिमोन किसको बिलोंग करता है? इबेनेसी फैमिली को, इसका बोटैनिकल नेम जो है डाइस्पोरस काकी, क्रोमोजोम नंबर 90। यूफोरबिएसी आंवला बिलोंग करता है यूफोरबिएसी फैमिली को, इम्ब्लिका ऑफिसनैलिस, इसका बोटैनिकल नेम है क्रोमोजोम नंबर कितने 28, सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर ये जाइटोटिक क्रोमोजोम नंबर 28। ग्यूट फेरी मैंगोस्टीन बिलोंग टू फैमिली ग्यूट फेरी एंड इट्स बोटैनिकल नेम है गार्सिनिया मैंगोस्टीना, क्रोमोजोम नंबर 24। जगलैंडेसी वॉलनट एंड पिकानट बिलोंग टू फैमिली जगलैंडेसी, बोटैनिकल नेम नास जगलैंड सीरिजिया एंड कैरिया इली नोनसिस, क्रोमोजोम नंबर इन वॉलनट 32 एंड पिकानट 36। वेरा लाउरेसी फैमिली एवोकाइडो बिलोंग टू लाउरेसी फैमिली, आप लोग जानते हैं एवोकाइडो एक फ्रूट होता है जो कि नील होती है, इसमें जो शुगर है वो नील होती है, डायबिटीज पर्सन के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है, केरला में पाया जाता है एवोकाइडो। पर्सिया अमेरिकाना इसका बोटैनिकल नेम है क्रोमोजोम नंबर 24 है। नेक्स्ट टैमरिंडस इमली बिलोंग करती है लेगुमिनेसी फैमिली को, इसका बोटैनिकल नेम है टैमरिंडस इंडिका 24, इसमें क्रोमोजोम नंबर 24 पाया जाता है। मोरेसी फैमिली में आने वाले फल हैं जैक फ्रूट तथा फिग, जैक फ्रूट का बोटैनिकल नेम है ऑल्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, क्रोमोजोम नंबर की संख्या है 56। फिग का बोटैनिकल नेम है फाइकस कैरिका, क्रोमोजोम नंबर 26। ये आपको बहुत बढ़िया जानकारी लगेगी, आप जो भी बच्चे
नेट एआरएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया, और जो फोर्थ सेम के बच्चे हैं बीएससीएज के लिए उनके, क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि किस फूल का कौन सा बोटैनिकल नेम है या उसका क्रोमोजोम नंबर क्या है, तो बोटैनिकल नेम और फैमिली आपको याद रखने का भी पूछा जाता है कि एनाकार्डियेसी फैमिली को कौन कौन से बिलोंग करते हैं फल, तो आपको ध्यान रखना है मैंगो केसियो नट और नट ये सब बिलोंग करते हैं एनाकार्डियेसी। तो इस प्रकार से ये आपको बहुत ही सहयोग करेगा एआरएस और नेट में और फोर्थ सेम के बच्चों के लिए।